Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो आज हम भाग चार में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम बता रहे हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो नॉमिनेटिव माने होते कर्ता, नॉमिनेटिव मीन्स कर्ता, एब्सोल्यूट माने स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र कर्ता। देखिए हम पहले आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही बनता है। अंतर दोनों में क्या है कि उसमें कर्ता दोनों के समान रहते थे, लेकिन इसमें कर्ता अलग अलग होंगे, दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग होंगे। जैसे यानी प्रेजेंट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा के बनता था, और परफेक्ट पार्टिसिपल में उसमें भी हम हैविंग और हैविंग बीन और बीन मतलब बीन का प्रयोग करते थे, वही इसमें भी है। तो कहने का मतलब नॉमिनेटिव सेंटेंस से हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल हैं। रूल का मतलब जैसे पहचान, पहली बात तो दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और दोनों की क्रिया भी अलग अलग हो, और जो कार्य पहले हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसमें लगाएंगे तो क्या हुआ का उत्तर यदि दूसरे वाक्य में मिलता है तो हम ऐसे दोनों वाक्यों को जोड़कर हम एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला है यानी कि द पुलिस केम पुलिस आई। दूसरा वाक्य है द थीफ रैन अवे, यानी कि पुलिस आई, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो कहने का मतलब इन दोनों वाक्यों को हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब एक सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो हम पहले पहचानेंगे कि क्या जो दो वाक्य लिखा गया है इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके क्या एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है। तो उसके हम जो रूल लिखे हैं अगर इसमें दिखाई देगा तो बनेगा। जैसे दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए, तो पहले सेंटेंस का कर्ता द पुलिस है, अब दूसरे सेंटेंस का कर्ता क्या है द थीफ है, यानी कि दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग है, एक शर्त हमारा पूरा है। दूसरी बात यह है कि जो अब देखिए क्या दोनों सेंटेंस के जो क्रिया है ये भी अलग अलग है, तो पहले सेंटेंस की क्रिया केम है, दूसरे मतलब सेंटेंस की क्रिया रैन है, तो यानी कि दोनों सेंटेंस के की क्रिया भी अलग अलग है।
अब एक शर्त और पूरी होनी चाहिए, जैसा कि हमने कहा है अब जो कार्य पहले हुआ है उसकी हिंदी निकालिए तो उसमें प्रश्न करिए तो क्या हुआ, तो इसका उत्तर दूसरे वाक्य में हो, जैसे द पुलिस केम, पुलिस आई, तो पुलिस आई तो क्या हुआ, पहला वाक्य का अर्थ निकालने के बाद कहने के बाद उसी के आगे लिख दीजिए तो क्या हुआ, यानी पुलिस आई तो क्या हुआ, अब तो क्या हुआ, द थीव रैन अवे, चोर भाग गया, तो क्या हुआ, उसका आंसर दूसरे वाक्य में दिया गया है, द पुलिस केम, पुलिस आई तो क्या हुआ, द थीव रैन अवे, चोर भाग गया। अब यानी कि इसमें तीनों शर्त हमें दिखाई दे रहा है, किसका, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब हम इन दोनों वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, सिंपल सेंटेंस ये नहीं देखा, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते थे, जो पहले सेंटेंस का करता रहता था उसको नहीं लिखते थे, तो डायरेक्ट हम हैविंग धन क्रिया थर्ड फॉर्म लिखते थे जब एक्टिव वॉइस में रहता था। अगर मान लीजिए अगर पैसिव वॉइस में अगर था तो हैविंग बीन धन क्रिया थर्ड फॉर्म लिखते थे, तो उसमें यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यानी कि जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो रहता था हम उसको नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या मतलब कैसे हम बनाएंगे, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यानी जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है पहले इसको उतारेंगे, द पुलिस, अब यानी पहले सेंटेंस का कर्ता उतारने के बाद अब देखिए ये जो पहला सेंटेंस है जो कार्य पहले हुआ है ये देखिए एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, देखिए ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसमें इज आर एम वाज बियर नहीं है, अगर इज आर एम वाज बियर अगर इसके आगे क्रिएट थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समय है ना पैसिव वॉइस में है, अगर नहीं है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस में है, और ये मतलब एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में है तो उसमें हम हैविंग और फिर क्रिया थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब जो पहले सेंटेंस के जो करता रहा पहले उसका लिख लेवा करा, अगर एक्टिव वॉइस में रहा है तो हैविंग लिख करके और वही के आगे जो लिखा रहा है जो क्रिया उसी को थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, तो कम केम के थर्ड फॉर्म हो जाए कम, जब पहला वाक्य उतारने के बाद हम इसको कामा लगा देंगे, पहला वाक्य उतारने के बाद कामा लगाने के बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमेशा जान लीजिएगा कि दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार लिया जाता है, तो हम दूसरा वाक्य इसको उतार लेंगे, द थीफ रैन अवे, यानी कि द पुलिस, अब देखा यानी कि क्योंकि अब इसमें कर्ता अलग अलग है इसलिए हम पहले सेंटेंस का कर्ता उतारने के बाद अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग लिख करके जो क्रिया रहेगा उसी का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर कामा लगा करके दूसरा वाक्य हम उतार लेंगे, एक है मतलब पुलिस के आने के बाद, पुलिस द पुलिस माने पुलिस 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 के आने के बाद द थीव रैन अवे, चोर भाग गया। अब जैसे इसी नियम के और देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए है द कॉलेज, देखिए
इसी नियम के, यानी कि द बिल रैंग, घंटी बजी, दूसरे में क्या है द कॉलेज वाज क्लोज, द बेल रैंग, घंटी बजी, द कॉलेज वाज क्लोज, कॉलेज बंद हो गया। कहने का मतलब यह है, अब इन्हीं दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो भी हम बता रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो अगर पहले तो हम पहचानेंगे जो ये दो वाक्य दिया गया है, क्या इन दोनों वाक्यों से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं, तो उसके हम रूल बता दिए हैं, शर्त बता दिए हैं, पहचान बता दिए हैं, क्या पहचान, कैसे पहचानोगे। तो पहली बात तो हम पहचानेंगे क्या इसमें इन दोनों वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये देखना है। तो पहली बात तो पहले देखेंगे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द बेल है। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द कॉलेज है। इसका मतलब कि दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग है, एक शब्द हमारा मिल गया। अब देखिए क्या दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है। तो जैसे पहले सेंटेंस की क्रिया रैंग है और दूसरे सेंटेंस की क्रिया क्लोज है, इसका मतलब क्रिया भी अलग अलग है। तो अब यानी कि अब ये देख लीजिए, जो कार्य पहले हो रहा है उसमें तो क्या हुआ लगा दीजिए। तो अगर यदि उसका उत्तर दूसरे में है तो हम ऐसे दोनों वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। जैसे द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल वाज क्लोज, विद्यालय बंद हो गया। एक है मतलब पहले घंटी बजी तो विद्यालय बंद हुआ, तो पहले पहला काम ये हो रहा है। तो अब इसकी हिंदी निकालिए, द बेल रैंग, घंटी बजी, घंटी बजी तो क्या हुआ भाई, घंटी बजी तो क्या हुआ, द कॉलेज वाज क्लोज, स्कूल बंद हो गया। इन्हीं तो क्या हुआ के आंसर दूसरे वाक्य में है। अब समझ लीजिए, अब इन दोनों वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके ही एक सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, और किसी और अन्य विधि का उपयोग मत करिएगा। तो अब देखिए, अब इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा कैसे। सिंपल सेंटेंस, अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी कि अब जो पहला वाक्य है, जो पहला सेंटेंस है, अब ये देखिए एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, इसमें इज आर एंड वाज बेयर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अगर इज आर एंड वाज बेयर हो और उसमें क्रिया के थर्ड फॉर्म में हो तभी हम जानेंगे पैसिव वॉइस में है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है, मान लीजिए जो कार्य पहले हुआ है अगर वो एक्टिव वॉइस है, तो ऐसे वाक्यों को जोड़कर हम कैसे एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आखिरी सुन लीजिए, सबसे पहले जो कर्ता रहेगा, पहले सेंटेंस का कर्ता हम उतार लेते हैं, यानी कि द बिल। हमेशा जान लीजिए, जो सबसे पहले पहले सेंटेंस का जो कर्ता रहेगा उसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद अगर इनी पहला सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पहले का जो कर्ता उतारे उसके आगे हैविंग लिख देंगे, जैसा हम पहले एग्जांपल में बताए हैं। तो इनी सबसे पहले कर्ता उतारिए, फिर हैविंग लिख करके जो क्रिया है इस क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे।
तो रिंग रैंग रंग, तो रैंग के थर्ड फॉर्म हो गए रंग, तो आर यू एन जी रंग। फिर पहला जो पहला सेंटेंस उतारने के बाद कामा लगाएगी, और कामा लगाने के बाद फिर रुकना नहीं है, फिर कुछ देखना नहीं है, दूसरा वाक्य जो कहते हैं उतार दीजिए, यानी कि द द कॉलेज वाज क्लोज, यानी घंटी बजने के, यानी घंटी बजने के बाद द बेल माने घंटी, हैविंग रंग बजने के बाद, घंटी बजने के बाद कामा कॉलेज बंद हो गया। तो अगर मान लीजिए अगर पहला वाइस सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो हम पहले कर्ता उतार करके और हैविंग लिखेंगे, कर्ता लिख करके हैविंग लिख करके जो क्रिया रहेगा उसी का थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर कामा लगा करके दूसरा वाक्य इन ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे एक सेंटेंस और हम बता देते हैं इस नियम के, तीन एग्जांपल हम आपको हम दे रहे हैं। जैसे एक और है, पहला वाक्य है द द सन सेट, द सन सेट, दूसरा वाक्य है वी बेक टू हाउस। कहने का मतलब द सनसेट, सूर्य डूब गया, वी माने हम लोग, बेंट माने चले गए, टू हाउस हम लोग घर चले गए। तो अब इन्हीं दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले तो देखेंगे क्या वो रूल लगेगा, उसके मतलब शर्त देखेंगे, क्या दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग हैं, तो पहले सेंटेंस का कर्ता दर्शन है, अब दूसरे इन्हीं सेंटेंस का कर्ता वी है, दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग हैं। अब देखिए क्या दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है, तो जैसे पहले सेंटेंस की क्रिया सेट है, अब दूसरे सेंटेंस की क्रिया बेंट है, दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है, दोनों शर्त पूरी मतलब पूरी हुई है। अब तीसरी शर्त क्या है, जो पहला कार्य हुआ है, जो सबसे पहले कार्य हुआ है उसकी हिंदी निकाल करके तो क्या हुआ लगा दीजिए, अगर क्या तो क्या हुआ का अगर आंसर अगर दूसरे में है तो समझ लीजिएगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब द सन से, द सन से यानी कि सूर्य डूब गया, भाई जब सूर्य डूबा तभी तो हम लोग घर गए, तो पहला कार्य यही हो रहा है, द सन से सूर्य डूब गया तो क्या हुआ, भाई सूर्य डूब गया तो क्या हुआ, वी वेंट टू हाउस हम लोग घर चले गए, तो इसका मतलब तो क्या हुआ का आंसर दूसरे वाक्य में है। अब पता चल गया कि अब इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हमने कहा है। अब ये जो पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है, अब ये एक्टिव वॉइस में है, अब ये एक्टिव वॉइस में, इसमें ई जा रहे हैं, वाज बियर नहीं है कुछ, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तब हम उसको
एक सिंपल सेंटेंस बनाते कैसे है, जो पहले सेंटेंस का जो कर्ता है पहले इसको हम उतार लेते हैं, याद करिए अभी हम बताए थे। उतारने के बाद हम क्या करते थे, हैविंग, हैविंग, हैविंग लिख करके अब हम क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देंगे। तो सेट सेट सेट, तो ये क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो इसको लिख देंगे सेट। तो पहला वाक्य उतारने के बाद कामा लिखने के बाद जैसा हम बताए हैं, दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों हम उतार लेते हैं। नाम नेटिव अब्सोल्यूट में हम दूसरा वाक्य हमेशा उतारते हैं, लेकिन कब, पहले कामा लगा करके तभी हम दूसरा वाक्य उतार सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस हम उतार लेंगे, कामा, वी वेंट टू हाउस, एक है मतलब सूर्य डूबने के बाद, द सन माने सूर्य, हैविंग सेट यानी डूबने के बाद, कमा, वी वेंट टू हाउस, हम लोग घर चले गए। तो यह तरह से हम तीन से मतलब एग्जाम्पल बता दिए। जब यानी एक्टिव वॉइस में रहेगा तब हम नाम नेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हम बता दिए। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट उतार लीजिए, फिर हैविंग लिखिए, हैविंग लिखने के बाद फिर जो क्रिया रहे उसको थर्ड फॉर्म में करके, फिर कामा लगा करके, फिर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ये है नियम एक। अब देखिए नियम दो में, नियम दो क्या है, देखिए नियम दो में है, द कॉलेज, द कॉलेज वाज क्लोज, पहला वाक्य है। दूसरे में है द बॉयज बेंट टू दियर हाउस, यानी द कॉलेज वाज क्लोज, कॉलेज बंद हो गया, द बॉयज बेंट लड़के चले गए टू दियर हाउस अपने घर, लड़के अपने घर चले गए। अब इन्हीं दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो भी नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो देखिए क्या इसमें नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग होगा, तो भाई पहले देखेंगे, कायदे से समझ लीजिए। और हम यही कहेंगे हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए, इसमें तीन नियम है, तीनों नियम हम कंफर्म कर देंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते हो, बशर्ते केवल वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। तो अब देखिए, अब दो सेंटेंस दिया गया है, तो हम पहले हम ये देखा कि क्या दोनों सेंटेंस के कर्ता जो है अलग अलग है। तो जैसे पहले सेंटेंस का कर्ता क्या है, द कॉलेज है, और दूसरे सेंटेंस का कर्ता क्या है, द बॉयज है। तो दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग है। अब देखिए क्या दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है, जैसे पहले सेंटेंस की क्रिया क्लोज है और दूसरे सेंटेंस की क्रिया बेंट है, यानी उसके उसकी क्रिया भी अलग अलग है, दूसरा भैया। तीसरी शर्त क्या है, आप देखिए जो कार्य पहले हो रहा है, पहले उसकी हिंदी निकालिए, हिंदी निकालने के बाद उसी में लगाइए तो क्या हुआ, यदि तो क्या हुआ के आंसर अगर दूसरे सेंटेंस में अगर दिखाई देता है, यानी उसका आंसर है, तो समझ लेना उसमें हम
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। द कॉलेज वाज क्लोज, कॉलेज बंद हो गया, पहले कॉलेज बंद हुआ। द बॉयज वेंट टू देयर हाउस, लड़के अपने घर चले गए। इसका मतलब पहले यही काम हुआ है, अब इसी की हिंदी निकाल लीजिए, हिंदी निकालने के बाद उसी के आगे लगा दीजिए तो क्या हुआ, जैसे विद्या यानी कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया तो क्या हुआ, बच्चे घर चले गए, ये तो हुआ, इसमें दिया गया है। भाई अगर कॉलेज बंद हो गया तो क्या हुआ, द बॉयज वेंट टू देयर हाउस, लड़के अपने घर चले गए। तो अब इसका मतलब, अब इसमें हमको पता चल गया कि इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए जो कार्य पहले हुआ है अब वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, तो हमने देखा अब यहां वाज है, वाज है, अब वाज के आगे क्लोज लिखा है, अब क्लोज थर्ड फॉर्म है। अगर इज आर एम इसके आगे अगर क्रिएट थर्ड फॉर्म लिखा है इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। अब याद रखिए, अब अगर यानी कि जब कब हो ऐसी सीन आती है कि जो कार्य पहले हुआ है वो पैसिव वॉइस में है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जैसा कि हमने कहा है, सबसे पहले हम यानी कि जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम उतार लेते हैं, जो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट को हम उतार करके अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैव बीन लिखते हैं, ये पैसिव वॉइस में है तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे हैविंग बीन लिख करके। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो इसमें क्रिया कर्ता पहले से ही रहती है तो इसको क्रिया कर्ता निकाल लीजिए, क्लोज कम, यानी कि द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज। अगर किसी बच्चों के दिमाग में अगर ये हो कि गुरुजी तीन वाक्य बताए उसमें केवल हैविंग का प्रयोग बताए थे तो वो एक्टिव वॉइस में था, अब ये वाक्य जो है ये पैसिव वॉइस में है, अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन लिखेंगे, तो हैविंग बीन क्लोज कॉमा, कामा लगाने के बाद जैसा कि हमने कहा है दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम यानी कि द बॉयज went to their house, यानी कहने का मतलब कॉलेज बंद होने के बाद, कॉलेज बंद होने के बाद लड़के बेंट माने चले गए टू दियर हाउस अपने घर, लड़के अपने घर चले गए। तो जैसा कि एक इसी नियम का एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है पहला बात लिखा है द कैप्टन वाज किल पहला, और दूसरा लिखा है द आर्मी रैन अभी। अब दो वाक्य दिए हैं,
अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जैसे मान लीजिए दो वाक्य दिए हैं और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले रुक जाइए, पहले देख लीजिए क्या इन दोनों वाक्यों में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल लग रहा है। तो पहले देखिए क्या दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग हैं। जैसे पहले सेंटेंस का कर्ता है द कैप्टन और दूसरे सेंटेंस का कर्ता क्या है द आर्मी। एक है मतलब दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग है। अब देखिए क्या दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है, इसमें किल्ड है इसमें रैन है, तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस की क्रिया भी अलग अलग है। अब तीसरी बात एक और देख लीजिए, जो कार्य पहले हुआ है उसकी हिंदी निकालिए, फिर उसके आगे लिखिए तो क्या हुआ, तो क्या हुआ के अंग्रेजी तो मतलब उसका आंसर अगर दूसरे वाक्य में है तभी जानिएगा इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसको जान लीजिए। तो अब यही द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया, द आर्मी रैन अवे सेना भाग गई। भाई कहने का मतलब पहले कैप्टन मारा गया कि पहले सेना भागी? भाई जब कैप्टन मारा गया तभी तो सेना भाग गई, इसका मतलब जो पहला कार्य हो रहा है वो सबसे पहले कार्य क्या हुआ, कैप्टन मारा गया तब सेना भागी। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसकी हिंदी निकाल करके उसमें लगा दीजिए तो क्या हुआ, जिसे कैप्टन मारा गया तो क्या हुआ द आर्मी रैन अवे सेना भाग गई। भाई अगर क्यों पूछे कैप्टन मारा गया तो क्या हुआ द आर्मी रैन अवे यानी सेना भाग गई, इसका मतलब अब इसमें पता चल गया। अब जो जो हम दो वाक्य दिए हैं दो सेंटेंस, अब इसको नॉमिनेटिव का प्रयोग करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इन्हीं की एक सिंपल सेंटेंस बनेगा क्योंकि इसमें तीनों शर्त पूरी है। अब देखिए लेकिन जो कार्य पहले हो रहा है अगर आईटी वॉइस में है तो जो सबसे पहले कर्ता लिखा रहेगा उसको लिख करके हैप्पी लिखेंगे, अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में है भाई पहले का सब्जेक्ट को हमको लिखना ही लिखना है, उसके बाद अगर पैसिव वॉइस में है तो वही हैविंग बीन लिख करके और क्रिया को थर्ड फॉर्म में कर देंगे और कामा लगा करके दूसरा वाक्य उतार लेंगे। जैसे लिखा है यानी कि द कैप्टन, द कैप्टन, अब ये पैसिव वॉइस में है जैसा कि हम बताए रहे हैं कि मतलब कि अगर ई दार है वाज बियर हो और उसके आगे क्रिया थर्ड फॉर्म में लिखा हो तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में है तो उसको हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो जो पहले सेंटेंस का जो कर्ता रहता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं हैविंग लिखने के बाद फिर बीन लिखते हैं, अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन लिख करके अब जो वाज के आगे जो क्रिया लिखी है ये क्रिया ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद फिर कामा लगा दीजिए, कामा लगाने के बाद जब पहला वाक उतारने के बाद हम कामा लगाएंगे तब हम दूसरा वाक उतारेंगे। अब ये लिखेंगे द द आर्मी रैन अवे यानी कि कैप्टन के मारे जाने के बाद द आर्मी रैन अवे सेना भाग गई। तो केवल मतलब इस नियम के हम दो एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो कहने का मतलब जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो पहले क्या करिएगा, पहले इन्हीं जो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लिख लीजिए, उसके बाद हैविंग बीन लिख दीजिए, हैविंग बीन लिखने के बाद जो इज आर I am, was, bear के आगे जो क्रिया लिखी रहा है जो क्रिया थर्ड फॉर्म में है उसको उतार दीजिए,
उतारने के बाद फिर कामा लगा दीजिए, कामा लगाने के बाद दूसरा वाक्य ज्यो का त्यों उतार दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखा अगला है, अगला हम नियम बता रहे हैं। अब ये नियम तो हम बता दिए, क्योंकि जब पैसे जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हम कैसे नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो हम नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, अब जो तीसरा हम बताने जा रहे हैं, पहला है द टीचर, द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था। फिर दूसरा है द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़के कार्य नहीं किए। कहने का मतलब द टीचर वाज अब्सेंट, ये अब्सेंट जो है क्रिया नहीं है, मतलब इसलिए जब एनी इज आर एम वाज बेयर के आगे जो लिखा रहे यानी वो क्रिया नहीं है। क्रिया ये समझ लीजिए कि जो ने तीनों फार्म बनाए वही क्रिया है, तो अब्सेंट अनुपस्थित ये क्रिया नहीं है, इसलिए हम यहां जो वाज लिखा है इसको हम टू बी वर्ब कहते हैं, टू बी वर्ब, ये टू बी वर्ब है। अब सुन लीजिए, तो जो दो वाक्य लिखा गया है क्या इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं? तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि बना सकते हैं, पहले तो भाई देखेंगे हम कि दोनों के कर्ता अलग अलग हो, दोनों की क्रिया अलग अलग हो, जो कार्य पहले हुआ है उसकी हिंदी निकालेंगे, उसके आगे लिखेंगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ का आंसर अगर दूसरे वाक्य में अगर दिया गया है तभी हम कह सकते हैं भाई नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि पहले सेंटेंस में देखिए, द टीचर सब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस का, द टीचर, दूसरे सेंटेंस में क्या है द बॉय, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है पहली बात। अब इसमें वाज टू बी वर्ब वाज है, इसमें यानी कि क्रिया क्या है डिड नॉट वर्क, ये वर्क है क्रिया क्या है वर्क, तो इसलिए अब यहां पर यानी कि क्रिया भी अलग अलग है। अब देखिए तीसरी बात, द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे, तो क्या हुआ भाई, अध्यापक अनुपस्थित थे तो क्या हुआ, द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़के कार्य नहीं किए, उसका आंसर है नहीं है, अगर आंसर है तो इसका मतलब हमारा तीनों शर्त पूरा हो जाता है, इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों को नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसा हम बताए हैं तीनों रूल में बताए हैं कि सबसे पहले हम जो पहले सेंटेंस का जो कर्ता है पहले इसको उतार लेंगे, द टीचर, द टीचर उतार के जो टू बी वर्ब, अगर टू बी वर्ब अगर से शुरू है तो टू बी वर्ब की जगह पर हम बीइंग कर देंगे, बी ई आई एन जी लिख देंगे, ये भी हो गया टू बी वर्ब की जगह पर, फिर इसको न लिख करके इसके आगे जो टू बी वर्ब के आगे जो लिखा रहेगा इसी को उतार लेंगे, अब्सेंट अब्सेंट। अब फिर पहला वाक्य उतारने के बाद कामा लगा देंगे, अब दूसरा वाक्य हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ये द द बॉयज डिड
नॉट वर्क, द बॉय डिड नॉट वर्क, यानी कि अध्यापक के अनुपस्थित होने के बाद होने पर यानी बच्चे लड़के अपना कार्य नहीं किए। तो एक एक वाक्य हम पूंजी वर्ग का और बता देते हैं। कहने का मतलब जब वाक्य टू बी वर्ग से शुरू हो तो समझ लेना कि सबसे पहले कर्ता उतारिएगा। कर्ता उतारने के बाद जो टू बी वर्ब है उसकी जगह पर बीइंग लिख दीजिएगा, और फिर टू बी वर्ब के आगे जो लिखा रहे उसको उतार करके कामा लगा करके अब पूरा मतलब यानी दूसरा वाक्य उतार लीजिएगा। जैसे है हम एक लास्ट देखिए, पहला क्या है, इट वाज कोल्ड, इट वाज कोल्ड, ठंडी थी। दूसरा वाक्य है यानी कि नो वन माने कोई नहीं, बेंट माने गया, आउट माने बाहर, इन्हें कोई बाहर नहीं गया। कहने का मतलब इट वाज कोल्ड, और दूसरा है नो वन बेंट आउट। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले तो हम देखेंगे वो तीन शर्त, अगर वो तीन शर्त मिलते हैं तभी जानिएगा कि इन दोनों वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहले सेंटेंस का कर्ता ईट है, दूसरे सेंटेंस का कर्ता नो वन है, दोनों के कर्ता अलग अलग है, क्रिया भी अलग अलग है। अब तीसरी बात क्या है, जो कार्य पहले हुआ है अब उसी का उत्तर इन हिंदी में अनुवाद करिए, उसमें लगा दीजिए तो क्या हुआ। अगर तो क्या हुआ का आंसर यदि दूसरे वाक्य में है तभी जानिएगा इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इट वाज कोल्ड, ठंडी थी, तो क्या हुआ, नो वन बेंट आउट, नो वन माने कोई नहीं, बेंट माने गया, आउट माने बाहर, कोई बाहर नहीं गया। तो इसका मतलब कि तो क्या हुआ का आंसर भी दूसरे वाक्य में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि जो यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट भी लिखा जाता है इट। अगर ये टू बी वर्ब से शुरू है, अब टू बी वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके आगे जो लिखा हुआ है ये क्रिया नहीं है। अगर इज आर एम वाज बेयर के आगे अगर क्रिया नहीं लिखी है तो इसका मतलब ये वाज जो है ये टू बी वर्ब है। यदि टू बी वर्ब है तो टू बी वर्ब की जगह पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, बीइंग, और यानी टू बी वर्ब के आगे जो लिखा रहेगा उसको ऐसे उतार देंगे, फिर कामा लगा देंगे, और कामा लगाने के बाद फिर दूसरा वाक्य ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं। नो वन बेंट आउट, ये तो इस तरह से हम आज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना बता दिए। तो सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, उसके तीन नियम हैं। जब जो कार्य पहले हो रहा है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसको हम कैसे एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जो कार्य पहले हो रहा है जब वो पैसिव वॉइस में है तो
तो उसका हम एक उससे एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब एनी की पहला वाक्य अगर पहले वाक्य में टू बी वर्ब है तो हम उस मतलब उससे हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये तीनों विधि हम भाग चार में बता दिए हैं। मतलब हम अपने बच्चों से अनुरोध करेंगे कि लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।